अस्सलाम वालेकुम नासरीन ड्रामा सीरियल में कि लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आसिफ साहब की हालत तो देखने लायक है। उन्होंने आयरा के साथ जितनी भी ज्यादतियां की आखिर उन सब का मकाफाते अमल तो तय है और आसिफ साहब अपनी आंखों से भी देख रहे हैं कि किस तरह उनकी अपनी ही बेटी का घर उजड़ गया। उन्होंने जितनी ज्यादतियां आयरा के साथ की आखिर उलटकर उनकी बेटी के साथ भी वैसा हुआ। जब इंसान किसी का बुरा चाहता है तो उसके साथ भी बुरा होता है। अब आसिफ साहब को भी इस बात का एहसास हो गया कि उनकी खुद की औलाद उनसे नफरत करने लग चुकी है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आज उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उनके अमाल की वजह से हो रहा है। अगर वो किसी और की बेटी के साथ इस तरह ना करते तो आज उनकी खुद की बेटी के साथ ऐसा ना होता। तो दूसरी तरफ मुबशरा को भी ये एहसास हो चुका है कि वो चाहे जितनी मर्जी कोशिशें कर ले लेकिन जैद के दिल में जगह नहीं बना सकती, क्योंकि आज भी जैद के दिल में सिर्फ आयरा है। इसलिए वो इस बेमैनी एक तरफा रिश्ते को खत्म कर देगी और जैद को कहेगी कि वो भी अपने आपको इस बेमैनी रिश्ते से आजाद करते। अब वो मस्जिद उसके सामने रुकावट बनकर खड़ा नहीं होना चाहती। वो चाहे तो इन कागजात पर साइन करके अपने आप को इस रिश्ते से आजाद कर सकता है। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है कि सैद खुला के कागजात पर साइन करके मुबशरा को उस रिश्ते से आजाद कर देगा या आयरा के साथ साथ मुबशरा को भी अपनी जिंदगी में जगह देगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।